Jali utho, chalo brush karo. Doodh piyo, tang mat karo. Subah shaam, mummy papa kehne, abbas karo Henry. Kehne do jo bhi kehte rahe, main karo jo man chahe. Har waqt sab kehte mujhe, abbas karo Henry. क्या हाल है मच्छरों के राजा समुद्री लुटेरे पीटर? सब बढ़िया है कैप्टन हेनरी, सबसे बड़े महारथी। ओ, सब कुछ ठीक तो है ना लुटेरे पीटर? हाँ सर। क्योंकि दुश्मन हमला करने वाले हैं। क्या दुश्मन का हमला? जल्दी पीछे जाओ और सब साथ रहो। पीछे जाओ, सब साथ रहो, पीछे जाओ। तू किससे बात कर रहा है पागल? वो तेरे लिए था। सॉरी। हेनरी? क्या? हाँ, क्या चाहिए तुम्हें मेरे सबसे बड़े दुश्मन? मुझे बात करनी है तुमसे, अंदर आऊं? नहीं, मैं बाहर आता हूँ। तो ये 2 मीटर बाई 2 ढाई मीटर की है। क्या कर रही हो मम्मी? कुछ नहीं, बस नाप ले रही हूँ। देखो हेनरी, तुम्हारे डैडी और मैंने ये फैसला किया है कि तुम्हारे इस किले को तोड़ने का टाइम आ गया है। मेरा किला तोड़ देंगे आप? हाँ, देखो ये बहुत ही ओल्ड फैशन्ड हो गया है और इतना सेफ भी नहीं रहा। सेफ नहीं? सही समझा तुमने। और इस पोर्शन में हम सब्जियां उगा सकते हैं। यहाँ से सूरज की किरणें आती हैं, शाम के समय ये धूप ब्लॉक कर देती है पूरी तरह से। मेरा किला तोड़कर यहाँ पर सब्जी उगाने वाले हैं? ओह, ये तो बड़ा ही टेस्टी लग रहा है। नाम है ब्रसिका काबुलुसा। तुम्हारे लिए तो सिर्फ ये पत्ता गोभी है हेनरी। उसे पढ़ने से ही बदबू आती है। मम्मी, मेरा किला मत तोड़ो। क्या कहा तुमने हेनरी? मैंने कहा मेरा किला मत तोड़ो, प्लीज। हेनरी, अगर हमने उसे नहीं तोड़ा तो वो अपने आप ही टूट जाएगा, और अगर इस पे किसी को चोट लग गई तो? मैंने डिसाइड कर लिया है। पर वो सबसे कूल किला है मम्मी, और सब लोगों को बहुत पसंद है। सच में? ये क्या है? पत्ता गोभी? नहीं, एक दो तीन चार, सबको क्या पसंद है यार? सब्जी या तो बिल्कुल नहीं। सब्जी हो नो, किला यस। एक दो तीन चार, सबको क्या पसंद है यार? आजकल के बच्चे खुले आम सड़क पर तमाशा करते हैं। पर क्या होगा आजकल के बदमाश बच्चों का? ए, नहीं। चलो टिडल्स, ऐसे बच्चों के साथ दोस्ती बढ़ाना पाप है। हे बर्ड, तू मेरी अर्जी साइन करेगा मेरा किला बचाने के लिए? ऐसा क्यों? क्या कर रहा है मच्छर? मैं सबके साइन ले रहा हूँ सेहत बनाओ कैंपेन के लिए। साइन करोगे? हेनरी, 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 यहाँ नीचे। तुम यहाँ नीचे क्या कर रहे हो? मैं हड़ताल पे हूँ, देख। ये सब थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा? ये लोग मेरा किला तोड़ने वाले हैं, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। ओ, अच्छा ठीक है, बाद में मिलते हैं हेनरी। ठीक है। तुम लोगों की बातें मेरे कानों पर पड़ रही थी। कान बंद कर।
तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तू और मदद? हाँ, कैसे? देख चूहे, मैं समझौता करवा सकती हूँ। क्या? समझौते का मतलब समझता है? मिस बैटलेक्स कहती है कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने में एक्सपर्ट हूँ। हाँ, तूने ठीक से सुना नहीं होगा। सोच ले, अगर तुझे ये सड़ा हुआ किला बचाना है तो। रुक रुक, मैं मानता हूँ ये किला बचाने में कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, शायद तेरी मदद लेनी ही पड़ेगी। तैयार हो? हाँ, कोई चारा भी नहीं। तो बात सुन चूहे। कुछ मिला नहीं यहाँ पे। कुछ मिला क्या? नहीं, नहीं। ऐसा क्यों? कुछ तो होगा ना यहाँ, ढूंढो यार, टाइम ज्यादा नहीं है। हेनरी की मम्मी ने पहले से ही बुलडोजर मंगाया है। मुझे मिल गया। सॉरी, इसमें है। अगर वो जमीन का टुकड़ा डिस्प्यूट में हो और अगर वो जमीन का टुकड़ा दिखाया जाए कि उस पे ऑलरेडी कुछ बांधा हुआ है, जहाँ से ये नया कुछ बांधने की सोच रहे हैं, तो फिर ये जमीन का टुकड़ा डिस्प्यूटल हो जाता है। कॉमा, इसका मतलब ये जमीन डिस्प्यूट में है। अभी मुझे समझा इस बारे में। ए, हिंदी में समझा। मतलब ये कि हेनरी का किला हम बचा सकते हैं। चलो। एक और बिस्किट लोगे हेनरी? चुप कर यार राल्फ, मुझे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, तू ही खा। तुझे क्या लगता है, मार्गरेट और उसकी फुसकी टोली कुछ करेंगे? क्यों नहीं करेंगे, मेरा काम हुआ नहीं तो मैं भी अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करूँगा। इसका क्या मतलब हुआ? तू अभी भी नहीं समझा, मैंने इस काम के लिए उसे कुछ देने का प्रॉमिस किया। और फी क्या है? एक महीने के लिए वो पर्पल हैंड गैंग की लीडर होगी और मेरे सारे चॉकलेट बिस्किट्स उसके होंगे। ओ, मेरी किस्मत। हेलो। हेलो जी, क्या मैं तोड़ो जोड़ो के प्रोड्यूसर से बात कर रही हूँ? हाँ, मैं ही हूँ। ये तो वही है। तो फिर मेरे पास आपके लिए एक स्टोरी है। अच्छा। हाँ, अब सुनिए, एक पुराना किला है। क्या पुराना किला? हाँ, बहुत पुराना है, जो कभी भी टूट सकता है। वो मेरे दोस्त हेनरी का है। वो मेरा दोस्त नहीं, पर ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ? कभी भी टूट सकता है। अब जी हाँ, और वो बहुत खतरे में है। खतरे की बात? ये तो बड़ी ही सीरियस बात है, बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरे में है। और हमें ऐसा पता चला है कि ये किला असल में एक आर्कियोलॉजिकल, हाँ जो भी हो वैसा ही कुछ। लेकिन अब हमें उसे बचाना है, तो हम क्या करें? मैं आता हूँ। थैंक यू। हाँ चलो, ये काम हो गया। अब प्लान ए का पार्ट बी। आप क्या हेनरी के डैडी हो? हाँ। क्यों, क्या किया उसने? उसने हमें एक बहुत बड़ी चीज की, एक आर्कियोलॉजिकल। हाँ वही। ऐसा क्या? आपको इस पे साइन करना पड़ेगा। ये क्या है? ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें लिखा है कि आप कोई भी किला परमिशन के बगैर नहीं तोड़ सकते। साइन प्लीज। ठीक है। पर्पल हैंड गैंग में आ रही हूँ। ये स्पिनच पर्पल आइस बहुत ही अच्छी लग रही है मॉम। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? और हम तुम्हारा किला बिल्कुल जैसा तुम चाहते हो वैसा ही फिर से बनाएंगे। बस हमें मतलब थोड़ा खोद कर कुछ ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद हम सब पहले की तरह कर देंगे। कूल। क्या? काफी शर्म की बात है कि मेरे टी पॉट के अलावा कुछ नहीं मिला। हाँ, पता नहीं उन्हें ऐसा क्यों लगा कि वहाँ कुछ हो सकता है। क्या पता, मगर ये तो अच्छा है कि इससे हेनरी को नया किला मिल जाएगा। हमारे नए बारबेक्यू के साथ अच्छा लगेगा। चलो नए किले का उद्घाटन करते हैं। मैं इस नए किले को सुरक्षित और खुला घोषित करता हूँ। ये तो बिल्कुल पहले जैसा ही है।
क्योंकि मुझे ये जैसा था वैसे ही चाहिए था मम्मी। थैंक यू मिस्टर प्रोड्यूसर। मेंशन नॉट हेनरी। लेकिन इस सब का क्या फायदा? क्या मतलब? मार्गरेट, उसकी फी। हाँ। अब उसके होते मुझे दुश्मन के हमले से डरने की कोई जरूरत नहीं। ओफो, लगता है मुझे गार्डन के इस हिस्से को पूरी तरह से भूल जाना होगा। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। वैसे ये हिस्सा भी सब्जियों के लिए अच्छा है। नहीं।